बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राघवन बता रहे हैं और कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है कर्नाटक की, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक को किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहती थी और जो नतीजे, जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है और बीजेपी बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। बहुत पीछे क्या कहें, 73 सीटों पर बीजेपी ने अभी लीड ले रखी है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो 121 सीटों पर कांग्रेस ने लीड ले रखी है। रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है बीजेपी से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए, अभी नतीजा देखिए क्या आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो उम्मीद नजर आ रही है वो ये कि इतना फासला है कि बीजेपी से बहुत हद तक पास इसके पास नहीं आ पाएगी। हमारे साथ इमरान पाशा प्रवक्ता जेडीएस भी जुड़े हुए हैं। इमरान पाशा साहब, जो दावे आपके थे फिलहाल आंकड़ों में वो नजर नहीं आ रहे हैं, रुझानों में वो नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो किंग ना किंग मेकर की भूमिका में फिलहाल आप दिख रहे हैं। डिबेट करते हैं अभी आखिरी आंकड़े यहाँ के आते तक, कि तब तक हम ना ही दावा करते हैं और ना ही कमेंट करते, देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। बस उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में जो भी कर्नाटक में सरकार बनेगी वो कर्नाटक के लिए और कर्नाटक के लोगों के हित के लिए बेहतर बने और यहाँ के लोगों का कल्याण। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी और आपको इंतजार आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ और आपकी पक्ष में फेवरेबल कंडीशन बन सकती हैं और एक बार फिर से आप ऐसी भूमिका में हो सकते हैं जो भूमिका आपको सत्ता में भी ला सकती है, किंग मेकर भी बना सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। नलिन कोहली जी, देखिए कांग्रेस आज सुबह से ही खुशी भी मना रही है, पटाखे भी जला रही है और सीधे सीधे ये कह रही है कि हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव जीते हैं। बहुत कोशिश की बीजेपी ने कि मुद्दे भटकाए जाए, बहुत कोशिश की कि पोलराइज किया जाए, लेकिन ना तो चुनाव पोलराइज हुआ ना ही जनता उन मुद्दों से प्रभावित होकर अपने घरों से बाहर निकली। स्पष्ट आपकी सरकार ने काम नहीं किया था वो नजर आ रहा है। कांग्रेस का अधिकार होगा, चुनाव जीतेंगे तो क्यों नहीं जश्न होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये और इसमें जरूर शाहिर होना ही चाहिए। मतलब इसके लिए हम तो कह ही रहे कि जनता जनार्दन तय करती है और मैं यही बात कह रहा था थोड़ी देर पहले कि 2014 से मोदी जी हैं या हमारे अमित भाई शाह हैं, जितने हमारे नेता कहते हैं जनता जनार्दन तय करती है और कांग्रेस हमेशा उससे दोष पाती थी, ये सरकार कैसे बनी, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए मैंने कहा यदि कांग्रेस जीतती है तो ये लोकतंत्र की जीत है, कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जी की सोच का पराजय है क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो खतरे में होकर कांग्रेस पार्टी जीते तो उनकी सोच और इसके बीच में बहुत फासला हो जाता है। विदेश तक जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं बहुत अपने बात को स्पष्ट रूप से रख रहा हूं, कांग्रेस की जीत राहुल गांधी जी की जीत नहीं हो सकती क्योंकि राहुल गांधी जी उसे लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं हमेशा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।